हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, कुछ न्यूज़ है उससे रिलेटेड भी बातें करेंगे, और क्या वो शेयर भाग जाएगा या नहीं भागेगा। और कुछ शेयर देखिए, अगर हम बात करें इस दौरान कि जो पिछले एक से डेढ़ महीने या दो महीने की बात करूँ, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। बट इस कंसोलिडेशन फेज में भी जिसने पैसा कमाना है ना, वो पैसा कमा रहा है। ओके, उसे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, मार्केट गिर रहा है या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, वो कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि शेयर से निफ्टी का कोई रिलेशन है, बट फिर भी कोई रिलेशन नहीं है। अगर बात करें, कोई ना कोई शेयर हमेशा भागता रहता है, कोई ना कोई शेयर गिरता रहता है, कोई गिरता है तो कोई भागता है, कोई भागता है तो कोई गिरता है। इस तरीके से मार्केट में एक खेल चल रहा होता है। ओके, और उसी चीज का फायदा उठा के अगर आप मार्केट में थोड़ा थोड़ा भी पैसा, कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता, ईट ईट से महल बने, मकड़ी अपना जाला बुनती, सुंदर अपना जाल तने। तो इसी तरीके से अगर आप, कहते हैं ना कि बूंद बूंद, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पैसा इकट्ठा करते हो ना, तो अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, देखिए मैं यहां पर अगर मैं दिखाना चाहूं, यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे 1 लाख रुपए से के निवेश से, केवल 1 लाख रुपए के निवेश से 800 करोड़ रुपए कमा सकते हो, वो भी 20 साल के अंदर अंदर। और आपको कुछ नहीं करना, आपका कोई, मैं अगर रिस्क भी बात करूँ ना, बस रिस्क इतना है जितना आप अभी भी मार्केट में लगे हुए हो कि कोई शेयर नीचे आ जाता है, बस इतना ही रिस्क है। और अगर बात करें प्रॉफिट की, तो 1 लाख रुपए से 800 करोड़ रुपए बनाना सीरियसली कोई बड़ी बात नहीं है। फॉरेन में लोग अगर बात करें तो बिलियंस और मिलियंस रुपीज कमाते हैं, और अगर बिलियन कमा सकते हैं, क्या हम मिलियन रुपीस नहीं कमा सकते? क्या हम करोड़पति नहीं बन सकते? रियल में अगर बात बताऊं तो वी कैन इजीली मेक आरसेल्फ रिच। ओके, हम अपने आप को रिच बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, आइए वीडियो में चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहे, इसलिए आप दूसरे लोगों को भी कनेक्ट कराइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी, बेल आइकन को हिट करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ लेके आइए, ताकि वो लोग भी मार्केट की नॉलेज ले सके और अच्छा खासा पैसा कमा सके। तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें, कल की डेट में अच्छी खासी यहां पर वीडियो डाली गई है, आपको देख सकते हैं, IT फार्मेसी रिलेटेड स्मॉल कैप स्टॉक। अगर बात करें यहां पर SIS और ISX से रिलेटेड, मैंने आपको बताया था अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, एज वेल एज बातें करें तो मार्केट से रिलेटेड कुछ ब्रेकिंग न्यूज थी उससे रिलेटेड, तो कुछ न्यूज से रिलेटेड भी बात करेंगे और कुछ स्टॉक से रिलेटेड भी बात करेंगे आज की डेट में। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा आप लोगों से कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर नीचे दो लिंक दे रखे हैं, अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है, यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर एक और लिंक है, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा, और आप अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहते हैं दान दीजिए, दान देना एक पुण्य का काम होता है और इससे हमेशा पैसा बढ़ता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले तो एक न्यूज़ है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, कैडिला का शेयर यहाँ पर देखिए गिरता हुआ, लास्ट में जैसे मार्केट गिर रही थी तो ये भी गिरता हुआ नजर आया, बट अगर हम देखते हैं तो ये शेयर लास्ट में बड़ा तेज भागता हुआ नजर आया, और लगभग 4 से 5% के रिटर्न, ओके, अपने लो से अगर बात करें तो लगभग 5 से 6% के रिटर्न, 6% के रिटर्न इसने आपको विद इन 45 मिनट्स में, 45 मिनट के अंदर अंदर 45% के रिटर्न दे दिए। कि क्या न्यूज़ आ गई, क्या हो गया ऐसा, तो बताना चाहता हूँ। पहली बार तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, और कैडिला कोविड से रिलेटेड वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है, बट इसकी एक न्यूज़ आई है, कोविड से रिलेटेड न्यूज़ आई है बट वैक्सीनेशन से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, पहली बताना चाहता हूँ। ये है, देखिए, मेडिसिन से रिलेटेड, मतलब एक दवाई बना रहा है, जो कोविड वैक्सीन से रिलेटेड दवाई बनाई है और उसे अप्रूवल मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जायडा एंटीवायरस वेराफिन रिसीव इमरजेंसी ऑथराइजेशन COVID-19 ट्रीटमेंट। ओके, तो जाइडस मतलब एक तरीके की कैडिला का ही शेयर है। तो यहां पर आपको बताना चाहूँ, इसी न्यूज के चलते ये शेयर यहां पर भागता हुआ नजर आया, और लगभग 6% के 7% के रिटर्न आपको देता हुआ नजर आया। तो एक न्यूज ये थी, तो आप इस बात को ध्यान रखना, ये शेयर काफी अच्छा है बट अभी कंसोलिडेशन मोड पर जा सकता है। ओके, क्योंकि जिस तरीके से आज फार्मा के पैसे, मतलब एक पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, ओके, फार्मा के शेयर गिरते हुए नजर आए,
इस वजह से भी, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको अच्छा खासा फायदा इस ये कंपनी देती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एकमात्र लौती ऐसी कंपनी है जो इंडिया की अगर बात करें पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन बनाने में, क्योंकि अगर एस्ट्राजेनेका की बात करें तो वो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर उन्होंने वैक्सीन बनाई है, बट ये कंपनी अपने आप में ही वैक्सीन बना रही है और अच्छा खासा इनका अगर बात करें प्रोसीजर भी है और अब बहुत जल्दी थर्ड ट्रायल में भी है, सक्सेसफुल हो चुका है, ये कंपनी बस आने वाली है, टेंशन ना लीजिए। तो अच्छी खासी कंपनी है और बायोन डिप्स करने का मौका मिले तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। देखिए अगर बात बताऊं तो इस कंपनी को मैंने आपको कब बताया था, इस कंपनी को मैंने सजेस्ट किया था आपको यहां पर, ओके 420 रुपीज़ के आसपास ये शेयर चल रहा था, मैंने आपको कहा था कि इस शेयर को बाई करिए, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। ओके अगर मैं यहाँ पर वीडियो देखना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने वीडियो देखी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैडिला हेल्थ केयर, 4 मार्च को मैंने वीडियो बनाई थी और ये शेयर का प्राइस तब क्या चल रहा था अगर बात करूं तो ये शेयर का प्राइस चल रहा था 450, ओके 450 रुपीज़ के आसपास ये शेयर चल रहा था और उसके बाद यहाँ पर नीचे आया है। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आया, 450 यहाँ पर बनाया होगा शायद, और फिर इसके बाद और नीचे आया और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महीने के अंदर आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिए है। तो हमारे चैनल के साथ देखिए जो जुड़ा रहता है, मैं बड़ी बात से तौबा करता हूँ और माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कोई प्राउड वाली या फिर घमंड वाली कोई बात नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैंने आपको सजेस्ट किया था ये शेयर, क्यों सजेस्ट किया था, एक नॉर्मल स्टडी है, ऑलवेज मैं बताता रहता हूँ, उस स्टडी से आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। और हमारी जो स्ट्रेटेजी है ना, जो मैंने आपको बताई है कि 1,00,000 रुपए से 800 करोड़ रुपए कैसे कमाना है, यहाँ पर देखिए इस वीडियो पे लिंक को क्लिक करना, इस वीडियो को देखना, आपका 800 करोड़ रुपए कैसे कमाने हैं तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी, और जो अभी बताने वाला हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर भागता हुआ नजर आया और अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें मुथूत फाइनेंस से रिलेटेड, देखिए मैंने अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर वीडियो बनाई थी, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए 1,150 रुपये का शेयर था, ओके अगर यहाँ बात करूँ 15 अप्रैल को, आज 23 अप्रैल है, 6 से 7 दिन के अंदर आपको इसने कितने परसेंट के, लगभग 7 से 8% के रिटर्न दे दिए, 7 से 8% के रिटर्न दे दिए। और यहाँ पर अगर बात करूँ और भी नीचे यहाँ पर आया था 1,126, मैंने भी एक्यूमुलेट किया था ये शेयर और अच्छे खासे रिटर्न हमें मिल रहे हैं। सिंपल स्टडी, क्या स्टडी है, सिंपल RSI देखिए, RSI अगर आपको नीचे मिलता है ऐसे स्टॉक्स का जो मल्टी बैगर स्टॉक्स है और नीचे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर भागते हुए नजर आएंगे और आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मन्नापूर्णम को मैंने 152 पे बनाया था, उसके बाद देखिए अभी भी नीचे चल रहा है, इस शेयर को एक्यूमुलेट कर लीजिए 175 to 180, हमेशा देखिए अगर एक साल का चार्ट पैटर्न ले लूँ तो देखिए इसी रेंज में चल रहा है ये शेयर, 180 तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे आ रहा है 180 तक। ओके आप इस शेयर को लेके रखिए, ये मिड कैप का शेयर है और काफ़ी बेहतरीन शेयर है, 20% के प्रॉफिट आपको मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने में मिल जाएंगे, और क्या चाहिए आपको। अगर हम बात करते हैं टाटा इलेक्सी से रिलेटेड, कितनी बार वीडियो बनाई है, बहुत बार, अगर बात करें 2500 रुपये पे, लगभग 2588 रुपये पे शेयर था, कब, 2 मार्च को, लगभग 1.5 महीने पहले मैंने आपको वीडियो बनाई थी, कहा था इस शेयर को एक्यूमुलेट कर रही है, ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात करूं टाटा इलेक्सी 1656 रुपये से, मैं आपको बताते आ रहा हूं, 22 दिसंबर को 1656 रुपये का शेयर था, ओके और तब से मैं आपको बताता आ रहा हूं, और दिसंबर से अब चल रहा है अप्रैल, 4 महीने में आपके पैसे दुगने, 4 महीने में आपको मल्टी बैगर रिटर्न, अगर आपको बात करें 100% के रिटर्न आपको दे चुका है। ओके इसी तरह मैंने आज प्रॉफिट बुक कर लिया, टू बी वेरी फ्रैंक मैंने अपने टॉप पर लगभग 3310 रुपये के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है, और अगर ये अभी कंसोलिडेशन मोड पे जाएगा, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, गिरता बढ़ता रहता है, देखिए ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, तो मुझे लगता है 3000 रुपीज़ तक ये नीचे आएगा, फिर दोबारा 3000 रुपीज़ तक नीचे आएगा, मैं इसे दोबारा एक्युमुलेट करूँगा, क्योंकि ये शेयर मल्टी बैगर शेयर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल जब बनेगी तो ये शेयर सबसे आगे आता हुआ नजर आएगा। आईटी का दिग्गज शेयर, रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है हुए, कल लेट आए थे रिजल्ट इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, बट इसके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है, इस पर बिलीव कर सकते हैं, TCS से ज़्यादा रिटर्न ये देख के दिखाएगा, मैंने हमेशा वीडियो बनाई है कि TCS का बाप है ये शेयर, तो इसे खरीदिए, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। और मेरी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपको बस बताना चाहता हूँ कि आपको बस माइंड लगाना है कि कौन सा शेयर आपको भागता हुआ नजर आएगा, आपको वेट करना है, आपको बाई करना है, वेट करना है पेशेंसली, और आपका पैसा बनता रहेगा, और जब आपका अच्छे खासे पैसे बन जाए तुरंत
तुरंत निकली है और फिर दोबारा वो मौका देगा। मैं 3300 पे निकल गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर 3500 चले जाएगा, 3500 भी जाएगा, बट 3500 का मतलब ये नहीं कि 3600 3700 बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, फिर नीचे आएगा। और जब भी नीचे आए तुरंत लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए वही। तो यहाँ पर तुरंत के तुरंत इस शेयर को खरीदिए और ये शेयर फिर आपको अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ आएगा। तो थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है और 3000 तक मुझे लग रहा है कि ये शेयर नीचे आ सकता है, ओके, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ, और फिर उसके बाद ये फिर दोबारा भागना शुरू करेगा। तो इस शेयर की तरफ नजरें रखिएगा। एज वेल एज बात करें रूट मोबाइल, रूट मोबाइल को 1400 रुपये तक में आया था, तब से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, 1500 यहाँ दे रखा है, 1400 भी तक भी आया था। और मैंने आपको बताया था कि इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, मेरे से लोगों ने पूछा भी था सर क्या बेच दे या नहीं बेचे, तो मैंने उनसे कहा था होल्ड करिए, ये शेयर बेचने वाले है ही नहीं, ये शेयर होल्ड करके रखने वाले और अच्छे खासे रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए 6-7% के रिटर्न, 6% का रिटर्न, आप सोच रहे होंगे कि 6% का रिटर्न, 6% के रिटर्न बहुत बेहतरीन रिटर्न होते हैं, आपको पता भी नहीं है। जो ये वीडियो है ना यहाँ पर आप देखेंगे 1 लाख रुपये केवल 5% कमाने हैं आपको, मंथ के आप 800 करोड़ रुपये कैसे कमा लेंगे, इस वीडियो को जाके देखना तो आपको पता चलेगी कि 5% के, 6% तो फिर भी ज़्यादा हो गया, 5% के रिटर्न, 4% के रिटर्न, 3% के रिटर्न भी बनाओगे तब भी 100 करोड़ रुपये कमा लोगे। और क्या चाहिए आपको, ICICI सिक्योरिटीज, वो भी 1 लाख रुपये लगा के। ICICI सिक्योरिटी को मैं आपको कब से बता रहा हूँ, ICICI सिक्योरिटी पर मैंने काफ़ी और वीडियो बनाई है, इसकी फंडामेंटल स्टडी करी है, आपको बताया कि इसे लीजिए, 400 रुपये से बताता आ रहा हूँ, 382 रुपीज़ पे आ गया। कल भी एक वीडियो बनाई थी, लोगों ने ज्यादा नहीं देखी, जितने भी लोगों ने देखी उन्हें समझ में आएगा कि क्यों बना रखी है। आई बटन पर लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा उस वीडियो को। और ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी, देखिए अभी कंसोलिडेशन फेज में थी, कुछ रीजन था, वो रीजन बता रखा है ऑलरेडी, ओके, उस वीडियो को लिंक दे दूंगा तो देख लीजिएगा। ये आगे चल के फिर मल्टीबैगर ये स्टॉक बनने वाला है, मैंने बेच दिया है, ओके, फिर नीचे आएगा, आई विल बाय इट अगेन। ICICI प्रूडेंशियल आज मैंने इसे भी बेच दिया, ओके, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। FIIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, ओके, और ये स्टॉक ऐसे है जो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रहे हैं, तो इन शेयर की तरफ नजरें रखिए, जब नीचे आए तो खरीद लीजिए, ओके। लार्ज कैप के अलावा थोड़ा भार भी देखिए, काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एज वेल एज बात करें HDFC लाइफ, यहाँ पर मैंने अपनी यहाँ पर ये शेयर खरीदते हुए खरीदे हैं मैंने, क्यों, क्योंकि इसका इंट्रेंसिक वैल्यू ही 1000 से प्लस है। इंट्रेंसिक वैल्यू का पता है ना, कि वॉरेन बफेट साहब हमेशा कहते हैं कि ऐसे शेयर को एक्यूमुलेट करिए जो कि बिजनेस पहले देखिए कि अच्छा है कि नहीं, बिजनेस आपको बताइए अच्छा है, फिर उसके बाद दूसरा देखिए प्राइस, कि प्राइस आपको अच्छा मिल रहा है कि नहीं, आपको इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है कि नहीं। हाँ, तो इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है, 700 रुपये का शेयर है और इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, 1000 रुपीज़। इसके रिलेटेड मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को भी जाके देखिए, सिंपल सी बात है, आप अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमाते रहेंगे। अब बात करें कि स्टॉक को कैसे पहचाने कि भाग चुका है, अब गिरेगा या वो चीज़, तो देखिए टारगेट तो किसी भी स्टॉक का नहीं होता, बट एक यहाँ पर एक साइट है ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू, गूगल पे टाइप करना, यहाँ क्लिक करना, ओके, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि RSI किस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न पे आप ऊपर जाएंगे, ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करिए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप जैसे कि HDFC लाइफ, तो यहाँ पर सिंपल आप लिख दीजिए HDFC लाइफ, तो यहाँ पर जो HDFC लाइफ का जो इंश्योरेंस का सेक्टर है यहाँ पर शेयर ओपन हो जाएगा। देख लीजिए इसकी RSI कितनी चल रही है, 48 की, यहाँ पर दिख रहा है आपको RSI, ये RSI यहाँ पर दिख रही होगी, तो आपको जब भी ये RSI आपको 70-80 के ऊपर मिलती है ना, तो आप चुपचाप बेचिए और दूसरे शेयरों में की तरफ देखिए, फिर जब ये नीचे आए फिर आप दोबारा एक्यूमुलेट करिए, 10-15 शेयर ऐसे अपने चुन लीजिए जिनमें आप खेलते रहिए, ओके, इसी तरीके से आपका पैसा रोटेट होते रहेगा। इसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर भी कर रहे हैं, इसी तरीके से DIS भी कर रहे हैं, तभी तो आपको दिख रहा है कि फार्मा देखिए आज की डेट में प्रॉफिट बुकिंग हो गई, कुछ दिन पहले IT में प्रॉफिट बुकिंग गई थी, आज कभी मेटल में प्रॉफिट बुकिंग हो गई, अब देखिए कल की मंडे को किस सेक्टर में पैसा डालेंगे, फिर वो देखिएगा, वो 2-3 दिन भागते हुए दिखाई देंगे। तो इसी तरीके को देखते हुए, ओके, अगर आप उस चीज का फायदा भी नहीं उठा पाए, जैसे फार्मा का अभी शेयर भागे थे, मैंने फायदा नहीं उठा पाया, मेरे पास 2-3 शेयर थे बट स्टिल मैंने फायदा नहीं उठा पाया, बट क्या हो गया, मैंने वो शेयर अभी चुन लिया है कि क्या कहते हैं, जो जिनका RSI काफी कम है और जो फंडामेंटल
मेंटली स्ट्रांग है और मैं अगली वीडियो में उनसे रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप बिजनेस करेंगे, इसी तरीके से आप नॉलेज लेंगे और 5% के हिसाब से भी पैसे कमा लेते हैं ना, 5% 10% का तो प्रॉफिट 15% तक भागते रहते हैं, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बस बताना था कि किस तरीके से मार्केट में रह के आप थोड़े थोड़े पैसे से आप करोड़पति बन सकते हैं, बस यही चीज़ थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को हमारे चैनल से कनेक्ट करिए ताकि इस तरीके की वीडियो लाके हम आपसे मिलके पैसा कमा सकें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।